हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर नंबर 4 ऑन वर्क एनर्जी एंड पावर फॉर क्लास 11 वी शैल हैव डिस्कशन ऑन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। बट बिफोर दैट हमने लेक्चर नंबर 3 में बात की थी पोटेंशियल एनर्जी और उसके डेरिवेशन की। इसके बाद में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की भी बात की थी। टोटल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट और हमने एक एच हाइट से बॉल को गिराया था। ए बी सी तीनों पॉइंट पर हमने ये प्रूव किया कि जो टोटल एनर्जी है यानी मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहता है। इसी क्वेश्चन में बेटा एक बार ग्राफ और पूछ लिया जाता है, वो ग्राफ भी हम डिस्कस कर लेते हैं। किस किस के बीच ग्राफ पूछा जाता है देखिए, कहता है ड्रॉ ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड हाइट। हाइट मतलब जिस हाइट से आप बॉल को गिरा रहे हैं, हाइट ले लेते हैं एक्स एक्सिस पर। हाइट हमने ले लिया एक्स एक्सिस पर, ठीक है, मीटर के अंदर, और एनर्जी जूल के अंदर हमने ले लिया वाई एक्सिस पर। तो देखिए, जैसे जैसे हाइट डिक्रीज होती है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी, आप जानते हो मैक्सिमम हाइट पर, देखिए डायग्राम में यदि देखें तो जब ये हाइट स्मॉल एच है, मैक्सिमम हाइट है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी जीरो है। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो नहीं है। पॉइंट सी की बात करें तो जैसे ही बॉल इस ग्राउंड को हिट करेगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी लगभग, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी जब ये बॉल ग्राउंड को हिट करेगी। हिट करने के कुछ समय के बाद तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। ये सिचुएशन होती है, यानी मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है। तो यदि हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो जब हाइट मतलब ग्राउंड के पास में होता है, ग्राउंड के पास में यानी हाइट कम होगा, जैसे जैसे ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाओगे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ती चले जाएगी। ग्राउंड से जितने ज्यादा हाइट पर आप जाओगे पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी। क्लियर है भाई? ये ग्राउंड सरफेस है, इसी के बगल में मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए ये बॉल है और इस बॉल को यहां से उठा करके आप ऊपर ले जा रहे हो, जितना आप ऊपर ले जाओगे ग्राउंड से इसकी जो हाइट है उतनी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। या फिर बॉल इधर रखा हुआ है पॉइंट ए पर और बॉल ए को यहां से रिलीज किया जाता है और सी तक आता है, तो जैसे जैसे हाइट डिक्रीज होगी वैसे वैसे इस बॉल की जो पोटेंशियल एनर्जी है, हाइट डिक्रीज होने पर पोटेंशियल एनर्जी कम होती चले जाएगी और जब ग्राउंड सरफेस पर आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। वही तो हुआ। तो जब हाइट जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चले जाएगी। लेकिन आप देखिए, जब हाइट जीरो है यानी जैसे ही ये बॉल इस ग्राउंड सरफेस से जाके टकराएगी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ टकराएगी। यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है यानी जीरो है। कब? जब ये बॉल ग्राउंड से जाके हिट की थी, और जब यहां पर थी तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो नहीं थी और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो नहीं थी, दोनों एनर्जी इस बॉल के पास थी। लेकिन जब बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, ठीक है, इस टाइप से। तो जब हाइट जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और जैसे जैसे हाइट आप बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होती चले जाएगी। ये पोटेंशियल एनर्जी थी, ये काइनेटिक एनर्जी आप देख सकते हैं, जीरो हाइट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो ये जो ग्राफ है, जो नेगेटिव स्लोप है जिस स्ट्रेट लाइन का, ये जो ग्राफ है जिसका नेगेटिव स्लोप है, ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यानी जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। यानी जब ग्राउंड के पास में होगी बॉल, ये केस इसके लिए एप्लीकेबल है बेटा, ये ग्राफ जो है इस केस में एप्लीकेबल है जब आपने बॉल को एच हाइट से रिलीज किया है, ठीक है। तो जब हाइट जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, जब हाइट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। लेकिन यदि हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी की बात करें,
तो ये टोटल एनर्जी का कर्व होगा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की है ये टोटल एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी जिसको आप मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हो, जो कि सम होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा टोटल एनर्जी को। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये ग्राफ कई बार पूछा गया है, प्लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। तो ये जो ग्राफ है ये किसको, ये जो फिगर है इसको आप नाम दे सकते हो प्लॉट यानी ग्राफ, ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी, फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। तो आपको ये उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए अब इससे आगे बढ़ेंगे और इससे आगे अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे जिसे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रश्न यह है कि स्प्रिंग क्या होता है ये जाने है या नहीं, स्प्रिंग क्या होता है ये जान लें। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, ये हेडिंग है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। ठीक है, कई बार इसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कह देते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, ध्यान रखिएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं या सिंपली पोटेंशियल एनर्जी भी कह देते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है, इलास्टिक अभी आपको समझ में आ जाएगा। स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या होता है पहले तो ये समझना जरूरी है। हम यदि डेली लाइफ में देखें तो बहुत सारी टाइप की स्प्रिंग हो सकती है। ठीक है, बहुत सारी टाइप की स्प्रिंग हो सकती है, स्प्रिंग कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। देखिए स्प्रिंग जो है इस टाइप की होती है, आपने देखा होगा जैसे कि आप अपनी साइकिल में देखते होंगे जिस स्टैंड पर आपने साइकिल को खड़ा किया है उस स्टैंड में भी तो ये स्प्रिंग लगी रहती है, उस स्टैंड में भी तो ये स्प्रिंग लगी रहती है, उस स्टैंड में भी तो एक स्प्रिंग लगी रहती है। तो ये एक ऐसी स्प्रिंग हो गई, या फिर स्प्रिंग जो है इस टाइप की भी हो सकती है, स्प्रिंग इस टाइप की भी हो सकती है जिसे आप हेलिकल स्प्रिंग कह सकते हो। इस टाइप की जो स्प्रिंग होती है वो हेलिकल स्प्रिंग कहलाती है। कैसी स्प्रिंग कहलाती है, हेलिकल स्प्रिंग कहलाती है। देखिए जरा ये आपको स्प्रिंग दिखाई दे रहा होगा, ये जो रिफिल होती है पेन की उसके अंदर लगी रहती है, तो इसमें भी ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है। इसको ऐसे खींचा मैंने तो ये स्ट्रेच हो गया, और ऐसे ऐसे दोनों तरफ से ऐसे प्रेस किया तो ये कंप्रेशन हो गया। ठीक है, कंप्रेशन हो गया, और जब इसको दोनों तरफ से पकड़ के खींचा तो ये क्या हो गया, स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग हो गया। तो ये स्प्रिंग है, क्या है ये स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग इस टाइप की हो सकती है, स्प्रिंग जो है इस टाइप की हो सकती है, हेलिकल टाइप की हो सकती है, स्प्रिंग जो है हेलिकल टाइप की हो सकती है, स्प्रिंग अभी मैंने आपको बताया दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, ये स्प्रिंग इस टाइप की हो सकती है, हेलिकल टाइप की स्प्रिंग हो सकती है। मेनी टाइप्स ऑफ स्प्रिंग कैन बी देयर इन अवर डेली लाइफ। आपने ये सब बातें स्प्रिंग्स जो है जगह जगह अलग अलग शेप की स्प्रिंग आपने देखी होंगी। हम क्या अज्यूम करते हैं, यूजुअली हम ये अज्यूम करते हैं कि स्प्रिंग्स आर मासलेस। ठीक है, यूजुअली हम क्या अज्यूम करते हैं कि जो स्प्रिंग है वो मासलेस होती हैं। तो यहां लिख लीजिएगा एक पॉइंट, तो मैंने आपको ये बताया, अभी मैं केवल स्प्रिंग के बारे में आपको बता रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग क्या होगा ये आगे हम चर्चा करेंगे। अभी अभी जान लीजिए कि स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स की हो सकती है, बहुत सारे टाइप्स की स्प्रिंग हो सकती है। ठीक है, एज सोन इन अबव फिगर, यानी ये देखिए ये कौन सी स्प्रिंग है, ये हेलिकल स्प्रिंग है, ये हेलिकल स्प्रिंग है, हेलिकल स्प्रिंग है ये। और ये कौन सी है, ये कौन सी स्प्रिंग है, स्पाइरल स्प्रिंग है। स्पाइरल वाइंडिंग करवाते हो ना, स्पाइरल वाइंडिंग करवाते हो आप, तो इस टाइप की स्पाइरल वाइंडिंग वाली स्प्रिंग जैसी होती है ना, स्पाइरल वाइंडिंग आपने कभी करवाई होगी, तो स्पाइरल स्प्रिंग है ये। और ये हेलिकल स्प्रिंग कहते हैं इसको, इनको हेलिक्स नाम देते हैं, इनको क्या नाम देते हैं, हेलिक्स। तो ये जो स्प्रिंग मैंने आपको शो किया है ये हेलिकल स्प्रिंग है,
ये स्प्रिंग कौन सा स्प्रिंग है बेटा? हेलिकल स्प्रिंग, जो आपको मेरे हाथ में दिखाई दे रहा होगा, ये जो स्प्रिंग है ये हेलिकल स्प्रिंग है। ये कौन सी स्प्रिंग है? हेलिकल स्प्रिंग। आपके पेन के स्प्रिंग में लगी रहती है, पेन के रिफिल के साथ लगी रहती है, हेलिकल स्प्रिंग। ऐसे ही ये स्पाइरल स्प्रिंग है, ठीक है। अब यूजुअली यूजुअली जो है, जो स्प्रिंग है उसको हम कैसा कंसीडर करते हैं? मासलेस कंसीडर करते हैं यूजुअली। ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स हमें काम देंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो यूजुअली वी अज्यूम दैट, और वी कंसीडर दैट द स्प्रिंग, दैट द स्प्रिंग स्प्रिंग आर मासलेस। स्प्रिंग कैसी होती है? मासलेस होती है। यूजुअली हम ऐसा कंसीडर करके चलते हैं, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को भी। इसके अलावा जो जब मासलेस होगी स्प्रिंग, तो वर्क डन जो स्टोर होगा, वर्क डन जो स्टोर होगा स्प्रिंग के अंदर, वो किस फॉर्म में स्प्रिंग स्टोर होगा? जब ये मासलेस है स्प्रिंग, तो मासलेस होने पर जो वर्क डन स्टोर होगा स्प्रिंग के अंदर, वर्क डन जो स्प्रिंग है वो मासलेस है, इसलिए जो वर्क डन स्टोर होगा, वर्क डन स्टोर्ड इन द स्प्रिंग जो वर्क डन स्टोर होगा स्प्रिंग के अंदर, किस फॉर्म में स्टोर होता है? वर्क डन इज स्टोर्ड लिखो यहां पर, वर्क डन इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। किस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। कौन? वर्क, ठीक है। वर्क इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये इलास्टिक का मतलब क्या है? देखिए बेटा, इलास्टिक का मतलब क्या है, जैसे इस स्प्रिंग को मैंने स्ट्रेच किया और स्प्रिंग को स्ट्रेच किया और छोड़ दिया, तो ये स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ गया। तो जब किसी स्प्रिंग को आपने ऐसे स्ट्रेच किया फोर्स लगा करके स्ट्रेच किया और फिर इसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट जिस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने से वो अपनी शेप और साइज बदल लेता है, और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम इलास्टिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि आप जो आपने इलास्टिक देखा होगा, रबर जो होती है उसमें इलास्टिसिटी होती है। रबर को थोड़ी देर ऐसे खींचोगे तो उसका शेप और साइज बदल जाएगा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, ओरिजिनल शेप से दूसरी शेप में चली जाएगी। लेकिन जैसे ही रबर को छोड़ोगे वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा। लेकिन यदि इसी स्प्रिंग को मैं बार बार स्ट्रेच करूंगा, बार बार कंप्रेस करूंगा, बार बार स्ट्रेच करूंगा, बार बार कंप्रेस करूंगा, तो एक समय ऐसा आएगा जब इस स्प्रिंग के अंदर डिफॉर्मेशन आ जाएगा। यानी एक समय ऐसा आएगा जब इसकी शेप और साइज जो है ऐसे बदल चुकी होगी, दूर दूर हो चुकी होगी। अभी देखिए, मैंने इसको जोर से स्ट्रेच किया, डिफॉर्म कर दिया इसकी शेप और साइज को, ठीक है। और यदि जितना ज्यादा आप, ये डिपेंड करेगा कि फोर्स कैसे लगा रहे हो। तो फोर्स लगाने से, एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इसकी शेप और साइज बदल गई, और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स को हटाया ये अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ गई। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिन पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने से वो अपनी शेप बदल देते हैं, ये ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्स हटा लेने के बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन जिसे हम कह सकते हैं। जैसे इस स्प्रिंग की ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है बेटा, ये जो इस समय मैंने स्प्रिंग हाथ में पकड़ी हुई है, ये इसकी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। लेकिन जैसे ही मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। अब जैसे ही मैं एक्सटर्नल फोर्स को हटाऊंगा, ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीगेन कर लेती है, दोबारा प्राप्त कर लेती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द स्प्रिंग इज नोन एज इलास्टिसिटी। क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी कहलाता है। तो यहां पर ये शब्द आप लिख भी सकते हैं, लिख लेते हैं, व्हेन, अभी जो एक्टिविटी हमने की थोड़ी सी उसको लिख लेते हैं, व्हेन वी अप्लाई एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स
एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन ए स्प्रिंग स्प्रिंग इट इट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इट्स इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पोजीशन इज डिस्टर्ब्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी एंड स्प्रिंग विल विल एंड स्प्रिंग विल चेंज इट्स शेप और साइज आफ्टर आफ्टर रिमूवल आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स स्प्रिंग रीगेन दोबारा प्राप्त कर लेती है स्प्रिंग रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप और साइज दैट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स को हटा लेने के बाद जो स्प्रिंग है वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को प्राप्त कर लेती है दिस प्रॉपर्टी ऑफ रीगेनिंग ओरिजिनल शेप और साइज इज नॉन एज इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी और स्प्रिंग इज नॉन एज इलास्टिक स्प्रिंग इलास्टिक स्प्रिंग ठीक है। इलास्टिसिटी का मतलब समझ में आ गया कि भाई वो प्रॉपर्टी जिसके कारण ऑब्जेक्ट अपनी शेप और साइज को बदल लेता है एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर, और जैसे ही एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स को हटाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज इलास्टिसिटी एंड द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इलास्टिक ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह हमने स्प्रिंग लिया है तो स्प्रिंग कैसी कहलाएगी? इलास्टिक स्प्रिंग कहलाएगी। अब जो जब आपने इस स्प्रिंग को खींचा था, मान लीजिए ये स्प्रिंग है बेटा, इस स्प्रिंग को मैं खींचता हूं, देखिए इस हाथ से तो मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, अब ये मेरा जो राइट हैंड है इससे मैंने स्ट्रेच किया ऐसे, यानी इस तरफ मैंने फोर्स लगाया, जिस तरफ मैंने पेन डायरेक्ट किया हुआ है इस तरफ फोर्स लगा करके इसको स्ट्रेच किया। अब स्ट्रेच किया तो इसकी ओरिजिनल शेप और साइज बदल गई, ठीक है, लेकिन जैसे ही छोड़ देते हैं ये अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स आपने अप्लाई किया है इस स्प्रिंग पर उसके अगेंस्ट, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स आपने अप्लाई किया इस तरफ, ठीक है, राइट साइड में अप्लाई किया, लेकिन इस अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट यानी अपोजिट डायरेक्शन यानी टूवर्ड्स लेफ्ट एक इसमें फोर्स काम करेगा जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, जो फोर्स इस स्प्रिंग को इसकी ओरिजिनल शेप और साइज में हमेशा लाने का प्रयास करता रहेगा। दिस फोर्स विच इज ऑलवेज अगेंस्ट द अप्लाइड फोर्स इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। क्या कहलाता है वो? रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, ये भी लिख लेते हैं, एज वी स्ट्रेच स्प्रिंग by applying an external unbalanced force, external unbalanced force, suppose ये spring है आपकी helical spring, ठीक है, ये helical spring है और इस जगह से मैंने इसको किसी दीवार से clamp कर दिया और इस जगह ये मान लीजिए कोई ब्लॉक है, मास अटैच कर दिया और इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। ये फोर्स एफ जो है ये क्या है? अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। अब जब फोर्स अप्लाई किया तो
ये जो ऑब्जेक्ट है जब एफ फोर्स अप्लाई करोगे तो स्प्रिंग का क्या होगा, स्प्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी, स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी, स्प्रिंग क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, स्प्रिंग स्ट्रेच होकर के ये जो ऑब्जेक्ट है मान लीजिए एफ फोर्स लगाने से ऐसा हो गया, यानी इसकी पोजीशन में इतना क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। कितने से डिस्प्लेस हो गया ऑब्जेक्ट, एक्स से डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, एक्स से डिस्प्लेस हो गया। अब ये तो हो गया अप्लाइड फोर्स, लेकिन जैसे ही इस अप्लाइड फोर्स को हटाएंगे तो इस डायरेक्शन में अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑलवेज, जितना ज्यादा आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे ये जो अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है जिसको आप एफ आर कहेंगे, एफ आर का मतलब रीस्टोरिंग फोर्स, यहाँ आर सबस्क्रिप्ट में लिखा है और इसका नाम है रीस्टोरिंग फोर्स। नाम से ही पता चल रहा है कि इसका काम क्या होगा, रीस्टोरिंग, जो रीस्टोर करता है, किसे रीस्टोर करता है, इसकी ओरिजिनल शेप और साइज को, जो स्प्रिंग को उसकी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा ले जाता है फोर्स, ठीक है, जो कि अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट लगता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। एज वी स्ट्रेच स्प्रिंग बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, तो जैसे ही एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगा करके स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं, देन इसके बाद में कंटिन्यू है, देन ए रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स अपोजिट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है, ये रीस्टोरिंग फोर्स है। देन ए रीस्टोरिंग फोर्स विल ऑलवेज ट्राई टू कीप द स्प्रिंग, विल ऑलवेज ट्राई टू कीप द स्प्रिंग इन इट्स ओरिजिनल ओरिजिनल पोजिशन, ओरिजिनल पोजिशन में रखने का प्रयास करता है, ठीक है, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। एंड दिस रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये हमेशा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एक्स जितना ज्यादा होगा यानी अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे तो एक्स बढ़ जाएगा, और एक्स जितना ज्यादा होगा, देखिए अप्लाइड फोर्स आप बढ़ाओगे, अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे, अप्लाइड फोर्स एफ को बढ़ाओगे, अप्लाइड फोर्स को इफ इफ अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज्ड, ठीक है, इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विल इंक्रीज, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट विल इंक्रीज, डिस्प्लेसमेंट विल इंक्रीज, और जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा एंड 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 ऑल्सो ऑल्सो रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स इंक्रीजेज अकॉर्डिंगली, इंक्रीजेज इंक्रीजेज अकॉर्डिंगली, और उसी के अनुसार क्या बढ़ जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ जाएगा, इन रीस्टोरिंग फोर्स इंक्रीजेज अकॉर्डिंगली। समझ में आई बात कि जब अप्लाइड फोर्स एफ को बढ़ाएंगे तो एक्स बढ़ेगा, और एक्स बढ़ने से एफ आर बढ़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हैं भाई, जितना ज्यादा एफ करोगे एक्स उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा एक्स होगा ये रीस्टोरिंग फोर्स उतना ही ज्यादा हो जाएगा, यानी रीस्टोरिंग फोर्स एक तरह से सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है जो कि अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता है यानी, ठीक है। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स मैथमेटिकली हम जाने, मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं कि इफ इफ एक्स इंक्रीजेज, यदि एक्स इंक्रीज होता है, और एक्स कब इंक्रीज होगा, ऑन इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स के बढ़ाने पर, अप्लाइड फोर्स के बढ़ाने पर एक्स इंक्रीज होता है तो क्या इंक्रीज हो जाएगा, देन देन रीस्टोरिंग फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेज, दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट आएगा बेटा, इस कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पर एक नेगेटिव साइन भी आ जाता है, अभी मैं आपको बता देता हूं कि ये के क्या है, के इज
वेयर के इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नॉन एज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, जिसका और दूसरा नाम है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट का हो, या फिर रीस्टोरिंग कॉन्स्टेंट भी इसे कहते हैं, ठीक है, या फिर इसे फोर्स कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। ध्यान रखिए, कई नाम बता दिए मैंने आपको, तीन नाम बता दिए, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इसे कह सकते हैं, रीस्टोरिंग कॉन्स्टेंट इसे कह सकते हैं, फोर्स कॉन्स्टेंट भी इसे कह सकते हैं। और नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, नेगेटिव साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट दैट रीस्टोरिंग फोर्स एफ आर इज ऑलवेज अपोजिट, रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट, रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू, द अप्लाइड फोर्स। पेन चेंज कर लेते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है, ये नेगेटिव साइन बताता है। तो ये जो रिलेशन आया ऊपर, दिस इज नोन एज, फोर्स लॉ ऑफ स्प्रिंग, और कह सकते हैं रीस्टोरिंग फोर्स लॉ ऑफ स्प्रिंग, या फिर कई बार रीस्टोरिंग लॉ के नाम से भी जाना जाता है, या फिर कई बार ओनली स्प्रिंग लॉ भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। क्या है स्प्रिंग लॉ, क्या है फोर्स लॉ ऑफ स्प्रिंग, एज पर फोर्स लॉ ऑफ स्प्रिंग और रीस्टोरिंग लॉ ऑफ स्प्रिंग और स्प्रिंग लॉ, वी कैन से दैट द रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये है रीस्टोरिंग फोर्स, जिसका डायग्राम मैंने आपको यहां पर बता दिया, ये डायग्राम भी आपको बनाना है रीस्टोरिंग फोर्स में। और स्टेटमेंट क्या होगा रीस्टोरिंग फोर्स का, रीस्टोरिंग फोर्स लॉ ऑफ स्प्रिंग और एज पर फोर्स लॉ ऑफ स्प्रिंग वी कैन से दैट द रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और एज वी रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी देन वी हैव एफ आर इज इक्वल टू माइनस के इन टू एक्स, दिस इज नोन एज फोर्स लॉ ऑफ स्प्रिंग और स्प्रिंग रीस्टोरिंग फोर्स लॉ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो के आ रहा है बेटा, ये जो के आ रहा है जिससे आप स्प्रिंग कॉन्स्टेंट या फोर्स कॉन्स्टेंट कह रहे हैं, ये हमें और क्या बताएगा, देखिए के का वैल्यू यदि लेस देन वन है, ये हमें स्प्रिंग स्टिफ होगा या स्प्रिंग सॉफ्ट होगा इसके बारे में बताएगा। इफ के इज लेस देन वन कहो, या फिर कहो आप कि के इज स्मॉल, ठीक है, या क्या कह सकते हैं, इफ के इज स्मॉल ऐसे लिख लीजिए, इसको ऐसे लिखिए, इफ के इज स्मॉल, यदि के की वैल्यू स्मॉल है तो स्प्रिंग कैसा होगा, देन ध्यान रखिएगा, देन स्प्रिंग विल बी सॉफ्ट स्प्रिंग, कैसा स्प्रिंग होगा, वो सॉफ्ट स्प्रिंग होगा, एक बात तो ये याद रखिए। और दूसरी, इफ के इज लार्ज देन स्प्रिंग विल बी ए स्टिफ स्प्रिंग, कैसी स्प्रिंग होगी, है स्टिफ स्प्रिंग होगी, ठीक है, स्प्रिंग कठोर होगी, स्टिफ का मतलब कठोर होगी, हार्ड होगी, ठीक है, और सॉफ्ट,
स्प्रिंग कब होगी, जब के का वैल्यू स्मॉल है तो सॉफ्ट स्प्रिंग, और के का वैल्यू लार्ज है तो वो हार्ड स्प्रिंग होगी। ठीक है, अब देखिए एक और बात यहां पर देख लें, स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है ये भी देख लें। यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसे आप फोर्स कांस्टेंट भी कहते हो, स्प्रिंग कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज फोर्स कांस्टेंट। देखिए एफ आर इज इक्वल टू क्या आया था, के एक्स विद नेगेटिव साइन, यहां से के का वैल्यू निकाले हम तो एफ आर अपॉन एक्स आ जाएगा। अब यूनिट आपको पता लग गया होगा, एफ आर क्या है, फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, और एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इसका यूनिट मीटर, तो क्या यूनिट हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट का, न्यूटन पर मीटर। क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ किसका, स्प्रिंग कांस्टेंट का। ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे थे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की, फोर्स कांस्टेंट मैंने आपको बता दिया, फोर्स लॉ बता दिया स्प्रिंग का। अब ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करें, देखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन होगा। अब यहां से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है, हमारा एम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है स्प्रिंग का। इस स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम निकालना चाहते हैं, क्योंकि हमने स्प्रिंग पर फोर्स एफ अप्लाई किया और उस वजह से यहाँ डिस्प्लेसमेंट आया, इसका मतलब वर्क डन होगा। क्या होगा, वर्क डन होगा, और जब वर्क डन होगा तो इसमें ये जो वर्क डन होगा इस स्प्रिंग को डिस्प्लेस करने में, वो वर्क डन इस स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को इलास्टिक क्यों बोल रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग पर जब अप्लाइड फोर्स आप हटा लोगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेती है, ये स्प्रिंग की इलास्टिक प्रॉपर्टी कहलाती है। इसलिए यहाँ पर जो भी वर्क डन यहाँ पर होगा वो इस स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। उसी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम डिराइव करना चाहते हैं। तो अभी तक तो हमने फोर्स निकाल लिया है कि कितना फोर्स ये लगा रहे हैं हम, इस अप्लाइड फोर्स एफ को लगाने से इतना रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर लगेगा, ये हमने अभी तक कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो इस फोर्स ऑफ स्प्रिंग हमने निकाल लिया। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को यदि डिफाइन करूं आगे, जिसे डिराइव भी करना है हमें, सिंस सिंस अमाउंट ऑफ वर्क डन, सिंस अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग डिस्प्लेसिंग ए स्प्रिंग अगेंस्ट अगेंस्ट रीस्टोरिंग फोर्स, अगेंस्ट रीस्टोरिंग फोर्स एफ आर, इस फोर्स के अगेंस्ट आपको जो वर्क करना पड़ रहा है, वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए स्प्रिंग अगेंस्ट रीस्टोरिंग फोर्स इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। और जो पोटेंशियल एनर्जी है इसे ही हम क्या कहते हैं, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहलाता है ये, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, यहां तक बात। चलिए हमारे को निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन क्या होगा, देखिए वर्क डन जो होगा, डी डब्ल्यू वर्क डन, वर्क डन मैंने आपको पहले ही बताया कि सीधे हम टोटल वर्क डन तो निकालेंगे नहीं, तो पहले हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लें कि इस मास को, स्प्रिंग को डिस्प्लेस किया हमने एक्स डिस्प्लेसमेंट से, तो कितना वर्क डन होगा। तो पहले लिखूं मैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर डी एक्स, एफ आर डी एक्स,
एफ आर डॉट डी एक्स, ऐसे लिख देता हूँ, एफ आर डॉट डी एक्स, ये वर्क डन होगा, ठीक है, एफ आर डॉट डी एक्स। अब देखिए एफ आर डॉट डी एक्स हो गया वर्क डन, एफ आर डॉट डी एक्स हो गया। अब मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ पर इस जगह जब ब्लॉक था तो ये है एक्स इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ जब ब्लॉक चला गया, इस जगह जब चला गया तो एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया, यानी जीरो से एक्स डिस्प्लेस हो रहा है। जीरो से कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक्स तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जीरो से एक्स डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। अब जीरो से जब एक्स डिस्प्लेस होगा तो देखिए कितना वर्क डन होगा, तो यहाँ पर एफ आर और डी एक्स का डायरेक्शन देख लो जरा, देखिए डी एक्स डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ है और एफ आर इस तरफ है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एफ आर तो इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट डी एक्स इस तरफ आएगा, यानी एक्स इस तरफ आ रहा है, ठीक है, ये शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट हो गया, और एफ आर इस तरफ है, तो दोनों के बीच कितना एंगल हुआ, एफ आर डी एक्स के बीच 180 डिग्री का एंगल हुआ, कितना एंगल हुआ, 180 डिग्री का एंगल हुआ। और 180 डिग्री का एंगल होने पर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री का एंगल जब यहाँ होगा तो इसको हम लिखेंगे एफ आर डी एक्स, ठीक है, माइनस माइनस लिखेंगे, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ आर डी एक्स कॉस 180, और कॉस 180 का मतलब माइनस वन होता है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख लिया डी डब्ल्यू, ठीक है, ये डी डब्ल्यू आ गया। अब देखिए एनर्जी जो है ना, एनर्जी यहाँ पर जो हम एनर्जी ले रहे हैं, वर्क डन जो ले रहे हैं, वर्क डन जो ले रहे हैं अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स ले रहे हैं, अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स ले रहे हैं, तो अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स जब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वर्क डन आएगा अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स लेंगे तो वर्क डन कैसा आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। कैसा लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव क्या बताता है आपको कि रीस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ये तो इसकी डायरेक्शन को बता रहा है, तो सिंपली एफ आर डी एक्स हम लिख सकते हैं। अब एफ आर क्या है, एफ आर क्या है, माइनस के इंटू एक्स है, एफ आर क्या है, माइनस के इंटू एक्स है, ध्यान दीजिए एफ आर क्या है, माइनस के इंटू एक्स है। आपको ये बात समझ में आई होगी कि वर्क डन कितना होगा, स्प्रिंग फोर्स जो रीस्टोरिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स जिसको आप कह रहे हो फॉर द स्मॉल एक्सटेंशन, ये जो है ना बेटा एफ आर, एफ आर इसको स्प्रिंग फोर्स भी कह सकते हो, कई बुक्स में इसको एफ एस भी लिखा हुआ है, एफ एस भी लिखा हुआ है, इसको स्प्रिंग फोर्स भी आप कह सकते हो, ठीक है, एफ आर को, रीस्टोरिंग फोर्स को स्प्रिंग फोर्स भी आप नाम दे सकते हो। और ये देखिए ये स्प्रिंग फोर्स जो है इस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, तो वर्क डन जो होगा अपोजिट डायरेक्शन, एफ एस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, एफ आर या एफ एस जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, तो जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन होगा स्प्रिंग फोर्स के द्वारा स्मॉल एक्सटेंशन के लिए, वो कितना हो जाएगा, एफ आर इंटू डी एक्स होगा, ध्यान रखिएगा, माइनस एफ आर डी एक्स नहीं लेंगे, क्या लेंगे, एफ आर डी एक्स लेंगे। आप चाहें तो इसको कट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि एफ आर डी एक्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन जो है डायरेक्शन को बताता है, और इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया सिंपली, ठीक है, ये डी डब्ल्यू लिख दिया मैंने, ये क्या लिखा, डी डब्ल्यू, ठीक है। अब देखिए डी डब्ल्यू कितना आ जाएगा, एफ आर की जब वैल्यू रखोगे यहां पर, माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, मुझे टोटल वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन का इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा, जीरो से डब्ल्यू होगा, ठीक है, और इधर के का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, कॉन्स्टेंट है, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा, एक्स का कहां से कहां, जीरो से एक्स होगा, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन जीरो, और डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया तो वर्क डन डब्ल्यू हो गया। अब डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू होता है, आप सब जानते हैं फॉर्मूले मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं कि डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, तो वैसे ही डी डब्ल्यू का क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया, और ये भी फॉर्मूला भी मैंने आपको बता रखा है, इसका होता है एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो ये देखिए ये लिमिट जीरो से डब्ल्यू, और ये माइनस के, और ये हो जाएगा एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन इस तरीके से, और जीरो से एक्स, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस के, और एक्स स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा, और जीरो से एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा, और ये माइनस हाफ को मैं बाहर ले लेता हूँ, माइनस भी है के भी बाहर है,
अपर लिमिट रखोगे एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट रखोगे जीरो आएगा, तो फाइनली ये आ गया। अब ये जो वर्क डन आया, यही वर्क डन तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, यही वर्क डन तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, यही वर्क डन क्या है बेटा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। किसका? स्प्रिंग का। स्प्रिंग का एस मतलब स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो यू एस इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आई स्प्रिंग की, ठीक है, किसकी? स्प्रिंग की आई। अब देखिए, यदि आप रीस्टोरिंग फोर्स, यदि मैं कहता हूं कि रीस्टोरिंग फोर्स मैं वर्टिकल एक्सिस पर लेता हूं, ये रीस्टोरिंग फोर्स लिया, और ये फोर्स, ये इस एक्सिस पर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, तो ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ बिल्कुल इस टाइप का आना चाहिए, इस टाइप का ग्राफ आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एफ आर इज इक्वल टू क्या है, माइनस के इंटू एक्स है, माइनस के इंटू एक्स है, तो ये जीरो हो गया, तो जीरो हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू वन रखोगे तो इधर आएगा ना माइनस के, माइनस इधर आएगा, ये माइनस की वैल्यूज इधर आएंगी, ठीक है, यानी एक्स डैश मान लेता हूं इसको, ये नेगेटिव वैल्यूज इधर आएंगी, तो ये वाला ग्राफ आ गया। और जब एक्स की वैल्यू आप माइनस वन रखोगे, माइनस वन रखोगे तो प्लस आएगा, माइनस वन रखोगे, माइनस टू रखोगे, माइनस थ्री रखोगे, तो इधर वाला ये ग्राफ आ जाएगा प्लस में, और जब वन रखोगे, टू रखोगे, थ्री रखोगे, तो ये माइनस वाला ग्राफ आ जाएगा, ठीक है, यानी तो ये एक ग्राफ हो गया। ये ग्राफ भी आप ध्यान रखेंगे, ये इनिशियल पोजीशन हो गई, और ये कौन सी पोजीशन को बताता है, ये एक्स को बताता है, फाइनल पोजीशन को बताता है, ठीक है, इस टाइप से आप याद रखेंगे। तो इसका जो एरिया होगा, इस ग्राफ का जो एरिया, ये वाला, जैसे इसकी बात करूं मैं, ये जो शेडेड एरिया है, यही तो आपकी ये वर्क डन के बराबर होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि ये तो हो गया एक्स, ये क्या हो गया, एक्स हो गया, ये क्या हो गया, एक्स हो गया, ये तो हो गया आपका एक्स, ठीक है, और वन ऑफ, ये ट्राइंगल है ना, तो वन अपॉन टू बेस इंटू हाइट, वन अपॉन टू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो वन अपॉन टू इधर आप ले रहे हो, ये बेस हो गया एक्स, और ये हो गया एफ आर, ये क्या हो गया एफ आर, और एफ आर की जगह क्या है, माइनस के एक्स, तो आप रखोगे वन अपॉन टू बेस इंटू हाइट, एरिया जो आएगा, एरिया ए बराबर वन अपॉन टू इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो रखिए वन अपॉन टू, बेस कितना है, एक्स है, और हाइट कितनी है, एफ आर है, एफ आर की जगह क्या लिखेंगे, माइनस के एक्स लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर, और यही एरिया तो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, यानी एफ आर और एक्स का जो एरिया होगा, शेडेड पोर्शन, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, ठीक है, ये आपको एफ आर और एक्स के बीच ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा, और यहां पर लिख सकते हो आप चाहो तो, एफ आर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के इंटू एक्स होता है, ठीक है, तो ये ग्राफ भी आप ध्यान रखिएगा। तो सिंपल सा हमने फॉर्मूला यूज किया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला यूज किया, माइनस साइन को हमने यहाँ प्लस कर दिया है, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में, रीस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए हमने यहाँ प्लस लिया है, ध्यान रखिएगा, और एफ आर को फिर माइनस के एक्स रख के सॉल्व किया है, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको आपने कहा, ये कैलकुलेट हो जाएगी। और इसके अलावा एक ग्राफ भी कई बार पूछ लेता है, ग्राफ कैसे पूछेगा, देखिए ये एक तो मैंने एफ आर और एक्स में ग्राफ बताया, एक ग्राफ आपसे कई बार पूछ लेगा कैसे पूछेगा कि इधर आपसे एनर्जी ले लेगा, इधर एनर्जी की बात करेगा, एनर्जी, ठीक है, और इस पर कहेगा कि एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ये जीरो ले लिया, और इस डायरेक्शन में एक्स ले रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, देखिए मैं डायग्राम पर जाता हूँ, इस पर जाता हूँ, जब देखिए ये जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी जीरो है या नहीं? अब यहां पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इसके पास मैक्सिमम थी, जो भी एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में थी, काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, लेकिन जैसे ही आपने अप्लाइड फोर्स लगाया तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हुई, फिर छोड़ देंगे इसको, छोड़ देंगे एक, इसको जब रिलीज कर देंगे तो थर्ड जो ग्राफ आएगा इसका, थर्ड जो डायग्राम यदि आप बनाओगे, तो
थर्ड डायग्राम में ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, ये जो ब्लॉक एम है ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है, इस पोजीशन में आ जाएगा, यानी इसी पोजीशन को रिगेन कर लेगा, ठीक है। तो जब इस पोजीशन में वापस आ जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, यानी जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। तो जब एनर्जी वर्सेज आपसे पोजीशन ग्राफ पूछता है, एनर्जी वर्सेज पोजीशन ग्राफ पूछता है, तो आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, इस टाइप का ग्राफ आएगा, ये देखिए इस टाइप का ग्राफ, ये जो ग्राफ होगा ये आपका पोटेंशियल एनर्जी के लिए होगा, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हो गई, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, ठीक है, इस टाइप के ग्राफ आएंगे। ये देखिए ये ग्राफ बता रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ये जो ग्राफ है, ये जो आपका ग्राफ है ये वाला, ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो टोटल एनर्जी होगी वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये जो लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, ये टोटल एनर्जी के लिए है, और E बराबर क्या होगा, K प्लस यू होगा, E बराबर क्या होगा, K प्लस यू होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका ग्राफ हो गया, ग्राफ या फिर जिसको हम दूसरा नाम और देते हैं प्लॉट, किसका, ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, ठीक है, ये ग्राफ भी आप आवश्यक रूप से याद रखिएगा। चलिए अब एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं एक, क्या क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन लेते हैं, ये मान लीजिए एक स्प्रिंग मैंने इससे जोड़ दी दीवाल से, ठीक है, ये स्प्रिंग मैंने जोड़ी दीवाल से, ये स्प्रिंग है, ठीक है, कभी आपने ट्रेन के जो बॉगी हैं उनको आपस में जुड़ते हुए देखा होगा, ट्रेन के डिब्बों को आपस में जुड़ते हुए देखा होगा आपने, ठीक है, नहीं देखा हो तो इस बार जब यात्रा करें कोरोना के बाद तो देखिएगा। तो जैसे ये एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है मान लीजिए, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और मान लेता हूँ कि ये सरफेस जो है फ्रिक्शन लेस है, ये सरफेस कैसा है, फ्रिक्शन लेस है, ये जो सरफेस है ऊपर वाला यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस है, ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है। इस फ्रिक्शन लेस सरफेस पर एक ये ब्लॉक है मास एम का, ये ब्लॉक है जिसका मास कितना है, स्मॉल एम, एम इज मास ऑफ दिस ब्लॉक, और ये जो ब्लॉक है ये वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, बी वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, ठीक है बेटा, ये कोई बी वेलोसिटी से मास इधर जा रहा है, जैसे ही ये मास इस स्प्रिंग से जाके टकराएगा तो इस स्प्रिंग को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, और इस मास का वैल्यू आपको दे रखा है, एम इज इक्वल टू कितना है, एम इज इक्वल टू है 0.40 किलोग्राम, ठीक है, और किस स्पीड से ये जा रहा है, वी की वैल्यू दे रखी है 0.50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये इस तरफ जाता है मास, और स्प्रिंग को क्या करता है, कंप्रेस करता है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, 750 न्यूटन पर मीटर, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। तो बताइए कि जब स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है, ठीक है, कंप्रेस हो जाती है, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है, तो उसके पास कितना वो कंप्रेस हो सकती है, यानी कितना कंप्रेशन आ सकता है स्प्रिंग में, ठीक है, कितना मैक्सिमम कंप्रेशन आ सकता है स्प्रिंग में, जब ये टकराएगी तो कितना मैक्सिमम कंप्रेशन आ सकता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं बेटा, ध्यान रखिए अज्यूम कर लेते हैं, तो ये जैसे ब्लॉक टकराया इस, जब ये ब्लॉक मास एम का टकराएगा इससे, तो मान लेता हूं कि इसमें जो कंप्रेशन आया वो एक्स से आ गया, किससे आ गया, एक्स से आ गया, ठीक है, एक्स से आ गया,
ठीक है यहाँ तक। अब जब एक्स से कंप्रेशन आया तो देखिए, जब ये यहां से चला तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ ये टकराएगा, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ ये टकराएगा, बिल्कुल टकराएगा। अब वर्क डन होगा, वर्क डन जो यहां पर होगा वो वर्क डन किसके बराबर होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। बोलिए, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, माइनस होगा क्योंकि स्प्रिंग में जो एनर्जी है इस फॉर्म में स्टोर होती है। और एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम, ये डब्ल्यू क्या होगा, एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम। समझिएगा प्रश्न को, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग डब्ल्यू ये होता है। अब देखिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी क्योंकि ये जब ब्लॉक इससे आके टकराएगा स्प्रिंग से तो एक्स डिस्प्लेस होने के बाद रुक जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होने पर ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई और स्टार्टिंग काइनेटिक एनर्जी उसकी इतनी थी क्योंकि वी वेलोसिटी से वो चल रहा था, ठीक है। तो इस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी इतनी हो जाएगी, यानी डब्ल्यू की जगह माइनस हाफ एम वी स्क्वायर लिखा जा सकता है। देयर फोर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर डब्ल्यू की जगह रखा, बराबर हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर के। अब माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, और यहां से देखिए आप एक्स की वैल्यू चाहते हैं निकालना तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम अपॉन के वी स्क्वायर आ जाएगा, एम अपॉन के वी स्क्वायर आ जाएगा। और यहां से एक्स की वैल्यू आप निकाल सकेंगे, एक्स बराबर क्या आएगा, अंडर रूट एम अपॉन के इंटू वी आ जाएगा, ठीक है। यानी अब यहां पर देखिए, एक्स बराबर अंडर रूट एम, एम क्या है, मास, मास कितना दे रखा है 0.40 किलोग्राम, और के क्या है 750 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, ये आ गया। और इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना, वेलोसिटी कितना है 0.50। अब इसको जस्ट आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी ये लगभग आएगी, इसका जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है इसका वैल्यू जो है लगभग कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ आपको, 0.02 आ जाएगा, और ये 0.50। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी लगभग लगभग 5 × 10 ना, तो 0.010 ऐसे आ जाएगा, ठीक है, इतना वैल्यू आ जाएगा किसमें, मीटर में एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से एक्स निकाला जा सकता है। तो ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी मैंने आपको बता दिया, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, ये देख लीजिए, एक टू सिमुलेट कार एक्सीडेंट, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स स्टडी द कॉलिजन ऑफ मूविंग कार्स विद माउंटेड स्प्रिंग ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। कार एक्सीडेंट को कम से कम करने के लिए जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो गाड़ियां बनाते हैं, वो कॉलिजन्स की स्टडी करते हैं, मूविंग कार की कॉलिजन की स्टडी करते हैं माउंटेड स्प्रिंग के साथ, ठीक है, ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। कंसिडर ए टाइपिकल सिमुलेशन विद ए कार ऑफ मास 1000 ग्राम। एक कार जिसका मास 1000 ग्राम है वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक रोड पर दौड़ रही है और वो कोलाइड होती है, टकराती है विद ए हॉरिजॉन्टल माउंटेड स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट दिस, वॉट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। वैसा ही सवाल है जैसा अभी हमने किया भाई, इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे पहले, हाफ एम बी स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, और वो हाफ एम बी स्क्वायर बराबर होगा किसके, स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होगा उसके हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। के का वैल्यू आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है, के का वैल्यू आपको
दे रखा है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है, के का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो हाफ के हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यही वाली सिचुएशन हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो मास ऑफ कार दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ कार दे रखा है, के दे रखा है, एक्स निकालना है, तो इसी तरीके से हो जाएगा, करके देखिएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज का डिस्कशन था, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।